राइट क्लिक सेटअप हमने बना रखा है, ये में आता है कंट्रोल सी कर लिया मैंने यहाँ पे, ये अपने नए फाइल में डाल दिया मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एक चीज़ और भी ले लेते हैं यहाँ पे, क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे बस डोम भी चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे देखें यहाँ पे ये भी मैंने कर दिया, कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे, और मेरे पास कहाँ गया, मेरे पास ये माय के फाइल है, कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। पढ़ने के लिए ना ये तो हमें आता है भाई, मुझे जो भी कोई काम करना है मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ये हमें पता है सरफेस सेटअप है क्या, यहाँ पे मुझे एक स्काई का टेक्सचर चाहिए, सनसेट हो या फिर आपका जो भी हो, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, आप यहाँ पे आउटडोर में गए, यहाँ पे देखो स्काई है मेरे पास यहाँ पे, कस्टर कर लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास ऐसा स्काई है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। स्काई हमने यहाँ पे यूज़ किया था, कुछ अलग से स्काई यूज़ किया कि हमने यहाँ पे, चलो मैं स्काई एक बार देख के निकालता हूँ क्या। अभी फिलहाल मैं आपको, चलो स्काई का भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, स्काई का कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने फॉर ए टाइमिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, मटेरियल एट्रीब्यूट पे गया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने ब्रेक कनेक्शन कर दिया, चलो ठीक है, ब्रेक कनेक्शन कर दिया। यहाँ पे मुझे कलर देना है, कलर मैं देखता हूँ स्काई बनाते कैसे, वो भी आपको बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे मिलेगा ग्रेडियंट रैम्प, दिख रहे हैं यहाँ पे, ये मैक्स में जाओगे तो ग्रेडियंट के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैम्प है, रैम्प भी है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अभी मुझे ये पता होना चाहिए मैं उस कलर कैसा होता है, ठीक है। कलर लाइक मीन्स वॉट, यहाँ पे मैं अगर करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने कलर क्लिक किया यहाँ पे, यहाँ पे गए यहाँ पे, ये स्काई ब्लू यहाँ पे लेके चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजन में आपका हल्का सा येलोइश होता है, तो येलोइश में कहते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये अपोजिट में जा रहा है, ठीक है, ये मुझे ऊपर, ये मुझे नीचे यहाँ पे करना है, ठीक है। उन चीज़ को मैं ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ, देखो ये पार्ट देखा है यहाँ पे, ठीक है, 4, 5 and 6 यहाँ देखना है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे कैसे दिखाना है, मैं इसको ऐसे लेके मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मैनेज किया, इसका कलर मैं थोड़ा और लाइट करता हूँ यहाँ पे, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखें, देखना यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। मैं ऐसा कुछ यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे उस पार्ट ऐसा दिखेगा, ओके। तो ऐसे करके भी मुझे बाई चांस मुझे कभी स्काई बनाना पड़े तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे देखा ब्लेंडिंग दिखा, यहाँ पे ब्लेंड होते हमें रखना है ताकि ब्लेंड हो सके यहाँ पे। तो ऐसे करके भी मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मुझे अगर बनाना पड़े तो मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल स्विफ्ट राइट क्लिक एंड प्लेन ड्रॉ कर दिया, आर फॉर स्केल, स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर डोंट मेरे पास चीज़ है क्या, जब मैं स्केल करूँ तो मेरे पास डोम देख रहे, डोम कितना है, डोम ये पूरा है। तो मुझे अगर यहाँ पर कोई भी काम करना है तो या तो मैं इसे पूरा स्केल कर दूँगा, पूरा मतलब डोम से क्रॉस करके, ताकि डोम पे यहाँ पे इम्पैक्ट दिखे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा बट मैं यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा एक बॉर्डर भी बनाया, तो बॉर्डर बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं गया और मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, क्रिएट किया मैंने यहाँ पे सिंपल एक, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पॉली क्यूब लिया मैंने, पॉली क्यूब यहाँ पे लिया, ठीक है। स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे और इसको मैंने यहाँ से कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बेसिक से शेप में अगर मैं देने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, रोटेशन कर देता है 90। अभी एक दो प्रोसेस ऐसे भी हैं जैसे मैं हर जगह यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हर जगह मैं सेम चीज़ मैं नहीं पिक करने वाला, मैंने ऐसा कुछ सेट कर दिया, मतलब ये पार्ट में ऐसा बेसिक ब्लॉक कर दूंगा। एंगल देखना मैंने यहाँ पे सिंपल बेसिक है, क्यों क्यों बनाया, ताकि मैं यहाँ पे कोई चीज़ को मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या, लेकिन मुझे कुछ टेक्सचर चाहिए, टेक्सचर में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लेकिन मैं ब्रिक्स का टेक्सचर देना चाहता हूँ, कंट्रोल सी कर लिया यहाँ पे। एक बेसिक सा प्रोसेस ऐसा भी है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक असाइन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लैम्बर्ड, साइनिंग है तो ब्लिन देंगे, साइनिंग नहीं है तो लैम्बर्ड देंगे, ठीक है, कर दिया मैंने यहाँ पे। फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल वी देना एंटर, ठीक है। एक जो मैंने बोला था एक बेसिक सा प्रोसेस मैं ऐसा भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, 6 प्रेस किया, ठीक है। अभी देखो टाइलिंग दिख रहे हैं यहाँ पे, टाइलिंग को समझना है क्या, जैसे यहाँ देखो ये मैं अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने जगह आपको एक बॉक्स अंदर करना, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो यूवी पे गए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल ऑटोमेटिक कर दिया, दिख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ सही आएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपनी जो टाइलिंग है, टाइलिंग को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे छोटे छोटे लेवल पे काम करना है, ठीक है। यू में गए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं से लाइक ऑटोमेटिक किया, तो मैं ऑटोमेटिक कर सकता हूँ, प्लानर करना है प्लानर कर सकता हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे चीज़ें कैसे नजर आ रही है यहाँ पे, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मुझे मैनेज करने का तरीका भी ऐसा पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे मैंने क्या किया, यू में गए और मैंने कर दिया यू वी एडिटर,
ये ओपन कर दिया मैंने अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यूवी में गया, ऑटोमेटिक करते हैं अभी, ठीक है। ऑटोमेटिक करने के बाद यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा पार्ट मैं जोड़ दूंगा। जोड़ना कैसे, मुझे ये दिखाना है मूवेंसियो, मुझे ये दिखाना है मूवेंसियो, पीछे वाले दिखना नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्रॉस चेक, यहाँ पर मैंने या इसको मैंने मूवेंसियो कर दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पार्ट देखें, यहाँ पे ये पार्ट सेलेक्ट किया, मूवेंस यू कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट देखें मूवेंस यू पॉसिबल है। यूवीज में गए, अनफोल्ड अनफोल्ड कर दिया मैंने, यहाँ पे पॉसिबल है, देखो यहाँ पे आए ना, यहाँ पे लेआउट कर दो, लेआउट लेआउट लेआउट, ओके। बहुत ही बड़ा बड़ा आ रहा है, ये आपको ध्यान देने की, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। अभी गेमिंग में क्या होता है, गेमिंग में आप टाइलिंग नहीं देते, गेमिंग में आप स्केल कर देते हो ऐसे करके। जब गेमिंग में जाओगे ना, जैसे गेमिंग का आपका काम करना है, बिजी बनाना है, वहाँ पे टाइलिंग वाला पार्ट ऐसे नहीं करते, वहाँ पे ऐसे स्केल कर देते हैं, या तो पूरा यहाँ पे मेजर करके डालेंगे, या तो फिर हम लोग ऐसे करके काम कर देते हैं। तो ये देखो टाइलिंग का प्रोसेस आपका यहाँ पे भी है, मैं दो तरीके बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, समझना क्या। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई इसके अंदर जाके हमें टाइलिंग बढ़ाना होता है यहाँ पे, रिपीट यूज। अगर आप इस लेआउट के अंदर रखेंगे तो आप रिपीट यूज यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं तो आप ऐसे स्केल भी कर सकते हो। तो ये दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने काम किया, ये कोई पूरा पार्ट में बस यहाँ पे ऐसे मैं दिखा सकता हूँ, काम कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अभी मुझे ये पता है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मेरे ऑप्शन आता है ट्रांसफर एट्रीब्यूट का ऑप्शन है ना, मेरे पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट रीसेट एंड कंपोनेंट यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई किया गया, देखो आया क्या यहाँ पे, इसको भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रिक्स मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, क्या असाइन किया मैंने ब्रिक्स आ गया। कैमरा एंगल मुझे कैसा रखना है ये देखा, आप क्रिएट किया मैंने यहाँ पे कैमरा एंगल, कैमरा मुझे कैसे दिखाना है कैमरा, ठीक है। पैनल लुक तो सिलेक्ट किया, अभी मैं ऐसा नहीं दिखाऊंगा आप, मुझे दिखाना है कैसे ये पार्ट में, बस ऐसे दिखाना ताकि बस जो दिखे तो लुक एंड फील में यहाँ पे तो सब पता चले कि यहाँ पे, ठीक है, पता चला यहाँ पे ये पार्ट में ऐसा कुछ दिखेगा। मैं यहाँ पे अगर मैं रेंडर करके देखूँ यहाँ पे तो मेरे यहाँ पे तो सा इनफैक्ट विजुअल होगा। आर्नोल्ड मुझे रेंडर नहीं चाहिए, मैंने स्केप किया है, यहाँ पे दिख रहा है, वैसे आर्नोल्ड में अच्छा आ रहा है क्या, देखोगे आप यहाँ पे तो माय सॉफ्टवेयर पे आप यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे रेंडर करो आप यहाँ पे, यहाँ देखो चीज़ आ रही है। अभी ये देखो ये मेरे पास ऑरेंज है, मेरे पास स्काई कैसा है, तो स्काई को भी मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा कलर का अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, कैसे देना ऑरेंज कलर दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम किया यहाँ पे, ठीक है, इसी का ऑरेंज कलर यहाँ पे दिया। अभी देखो यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बस अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखते हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किया तो लुक एंड फील में ऐसे दे सकता है, ठीक है। बस यहाँ पे देखो ये पार्ट है ना यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके भी मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे दिखाना है मेरे पास अगर स्काई नहीं है, मैप नहीं है, तो मैं ऐसे करके भी मैं डील कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, तो ये मैनेज करना आना चाहिए क्या, लिमिटेड नहीं रहना कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, समझो बात को। यहाँ पे देखो अगर मैंने इसको ऑफ किया तो मैं इसका ऐसे आ रही ये पार्ट, देखना यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं काम कर सकता हूँ, तो मेरे पास ऐसे भी काम आ जाएगा, ठीक है। चलो एक पार्ट ये देखा मैंने अभी, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट किया पे चलते हैं, विंडो विंडो में चलते हैं, विंडो में मुझे ऑप्शन मिलेगा जर्नल, जर्नल में यहाँ पे एक ऑप्शन है जैसे भी ये कंटेंट ब्राउजर करके ऑप्शन आया क्या, जब इसका पुराने माया में नाम है वाइजर, अभी कंटेंट ब्राउजर के नाम से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखा पे क्या है, मेरे पास एनिमेशन है यहाँ पे, देखा एफेक्ट्स है यहाँ पे, ठीक है, पेंट इफेक्ट में है ना, पेंट इफेक्ट में आप यहाँ पे देखिएगा ट्री भी दिखेगा आपको, देखो यहाँ पे ट्री दिख रहा है कहीं पे, ये आपका ट्री है, ठीक है। ट्री मैंने लिया, क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे और मैं कैमरे से बाहर जाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, बी प्रेस कर, तो बी से साइज बड़ा होगा यहाँ पे, देखो पेड़ बन गया मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे कैमरे में आ गए, एक बार रेंडर करो, रेंडर होगा नहीं, देखो होता है कि नहीं होता, स्टैंडर्ड में वैसा होता है, मेंटल में मुझे वैसे कन्वर्ट करना पड़ जाता है, एक बार देखते हैं यहाँ पे मैं चीज़ें विजुअल है कि नहीं, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा लगेगा, जितने पेड़ लगाओगे देखो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अभी आपको पेड़ देखना है यहाँ पे, अगर इसको मुझे आर्नोल्ड या मेंटल में कन्वर्ट करना पड़ता तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ता पॉली में, ध्यान रखना। माया के अंदर आपको देखेगा, आपको मेंटल आर्नोल्ड में ये कई बार विजुअल नहीं होता तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ आ गया ना मेरे पास यहाँ पे, अभी मैं चीज़ों के बारे में मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। चलो ये पार्ट मैंने ऐसे किया, ठीक है, कहाँ से मिला मुझे यहाँ पे ये पार्ट, ऐसा ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करना है, कुछ शेप्स मुझे यहाँ पे लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखा पे कुछ ट्री है मेरे पास यहाँ पे, इन सबों को आपको ट्राई करना है, ठीक है। ट्री के साथ यहाँ पे प्लांट भी है, प्लांट देखो आपको प्लांट है कुछ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और देन व्हाट वी वांट यहाँ से मैं थोड़ा सा भी प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे, और वाह देखो ये भी ध्यान देना है कैसे जा रहा है, ये आपको ड्रॉ करते हुए आपको ध्यान देना है कि इनके पैरामीटर्स वाइज आपके यहाँ पे थोड़ा सा डील करना होता है,
दिख रहे हैं। तो ये एक एक करके आपको ट्राई करना है कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपके पास कैसा क्या इम्पैक्ट दिखता है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे बी प्रेस किया मैंने, यहाँ पे देखा ठीक है। ये भी चीज़ आपको एक एक करके देखना है कि अगर मैं यहाँ पे देखो इसका मैं रोटेशन भी अगर करके मैं मैनेज करूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ एक पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्लांट है मेरे पास और भी क्या, यहाँ पे ग्रासेस भी होंगे, यहाँ पे ग्रास दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रास बोला मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास ग्रासेस यहाँ पे ठीक है, ग्रासेस एंड बुशेज यहाँ पे मिलेंगे मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इज इट पॉसिबल मैं अगर यहाँ पे तो देखूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे भाई हर एक का थोड़ा सा पार्ट मुझे थोड़ा सा हार्ड ऑन कर रहा है, देखना आप कितना बढ़िया देखना पे। आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे करके आप पेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे ऐड ऑन कर दोगे आप यहाँ पे, ये आपको अच्छा देखेगा यहाँ पे, ठीक है। कैमरे में जाके देखो पैनल पे गए ये कैमरा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं ऐसा कुछ यहाँ पे पेंट कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे दिखा सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे जितना मुझे कैमरे एंगल में दिख रहा है यहाँ पे मुझे दिख रहा था। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पेड़ लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बेस पे एक टेक्सचर लगा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हाट आई वांट, मैंने यहाँ पे मुझे क्रोम में सी मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्राउंड GROUND ग्राउंड सीमलेस टेक्सचर ले लेते हैं क्या, सीमलेस टेक्सचर से क्या बेनिफिट मिलेगा वो बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं ऐसा कुछ यूज़ करता हूँ या ऐसा कुछ यूज़ करता हूँ तो मैं बस ये पार्ट देखेगा क्या, फाइल सेव छोटा मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं क्या पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैं इसमें थोड़ा सा यूज़ करके देखता हूँ यहीं पे, या फॉर अ टाइमिंग यहाँ पर मैंने चलो यहीं पर डाल देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी देन एंटर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी ये देखो एक प्रोसेस मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे गए सेलेक्ट किया राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे मैंने क्या किया लैम्बर्ट दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या मैंने लैम्बर्ट यहाँ पे जमीन में साइनिंग देनी है तो मैं रखूँगा यहाँ पे, मैंने कर दिया ग्राउंड GROUND ग्राउंड, ठीक है। फाइल पे जाते हैं, फाइल पे गए यहाँ पे, ठीक है। बम्प आपको मैंने बताया देखा यहाँ पे, कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ पे मैंने क्या किया ये ले लिया, ठीक है। कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है, फटा हुआ आ रहा है, फटा मतलब समझो स्ट्रेच है। अभी मैंने आपको एक प्रोसेस वहाँ पे बताया आपको स्केल करने का, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रिपीट करने वाला था। रिपीट में आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 10 tab 10। अभी मुझे ऐसे नहीं देखना, मुझे देखना अपने कैमरे में देखना है, कैमरे में सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। मैंने क्या कर दिया 20 tab 20, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं करता हूँ मुझे करना 50 tab 50, जो मैं कैमरे में स्केल मुझे बेटर दिखे। मैंने 100 tab 100 कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी देखो दिस इज़ लुकिंग गुड। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं जब रेंडर करूँगा तो मैं सोचा अभी यहाँ पे सब चीज़ एक चैप से मैनेज होकर दिखेगा यहाँ पे, कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। मैंने यहाँ पे चीज़ों को अगर लिया तो मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करूँगा, दिख रहा है जमीन, दिख रहा है यहाँ पे जमीन वाला पार्ट दिख रहा है, जमीन के साथ आपको पेड़ भूसी सब दिख रहा है यहाँ पे, कि ऐसा मैं करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। कैमरे एंगल के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है तो मैं यहाँ पे दिखा, मैंने अपने ग्लासेस भी दिखाए, ठीक है। ग्लासेस का मेरे उस पार्ट यहाँ पे क्या है, अभी कई बार चीज़ों को मुझे ऐसे भी ऐड ऑन करना पड़ जाता है, क्योंकि चीज़ें हैं कैसी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया परस्पेक्टिव में गया, ठीक है। कैमरे एंगल यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पकड़ा मैंने यहाँ पे, ठीक है। मुझे इस कैमरे एंगल के अकॉर्डिंग कवर करना, तो मैं यहाँ पे क्या वापस ट्री में गया, यहाँ पे ट्री पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक दो ट्री में ऐसा ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो सपोज इस टाइप के ट्री मैंने लिए यहाँ पे, ठीक है। ये ट्री मैंने लिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बी प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा इस टाइप से देखा, देखना ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कवर कर देना यहाँ पे, यहाँ पे कवर किया मैं बस कैमरे में, देखो कैमरा कवर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया है ना, पीछे के ज़्यादा नीट तो नहीं हो जाए पे। अभी मैं यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके देख सकता हूँ कि भाई मेरे पास अभी कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, तो मैं पेड़ को चीज़ों को मैं अलग टाइप से मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ कि भाई मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मैं कैसे चीज़ को दिखा सकता हूँ, क्या मेरे पार्ट है। उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है कि एक एक पेड़ को, अभी देखो यहाँ पे देखें चीज़ें मेरे पास कैसी हैं, किस टाइप की चीज़ें। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं थोड़ा सा शैडो का भी पार्ट थोड़ा सा मैनेज करता था, जल्द परस्पेक्टिव में गए मेरे पास सन का यहाँ पे ना, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा जो लाइट का इम्पैक्ट है मुझे थोड़ा सा इधर चाहिए, ठीक है। टी फॉर टारगेट, यहाँ पे टारगेट है ना मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने इसको मैंने पकड़ा, चल भाई इधर आ जाऊँगा, पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टारगेट के साथ कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जैसे मैंने आपको दिखाया एक आध मैंने आपको पार्ट भी बताया कि भाई चलो ऐसे मैं कुछ करने वाला हूँ तो मैं ऐसा कुछ कर सकता यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मेरे पास कुछ शैडो आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं ना अभी कि भाई कैसा आता है। ये सब चीज़ प्रोसेस करना पड़ेगा क्या आपको, देखो यहाँ पे क्या आपको शैडो का इम्पैक्ट देना है, किस तरह से चाहिए मेरे पास अच्छी दिखे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे मैं अगर काम कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा
ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कैसे क्या काम करना है, मुझे चीज़ों को जब मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, शैडो यहाँ पे दे रखा है 1K यहाँ पे, ठीक है ओके। और चीज़ों को मैं तो और यहाँ पे मैं मैनेज कर रखा हूँ, ये इन सब चीज़ों को मुझे ऐसे ही लेके चलना है क्या यहाँ पे। ज्योमेट्री मुझे ऑन नहीं करना, सेलेक्ट नहीं करना यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, इस चीज़ को मैं यहाँ पे मैं लेके आ सकता हूँ। चल भाई यहाँ पे चल, ये देखो ये एंगल कैसे आ रहा है, ये जब ये ग्रुप में जाएगा तब ये ऐसे काम करेगा। वीडियो को कैसे जा रहा है, मैं इनको कंट्रोल जी कर देता हूँ यहाँ पे, और इज इट पॉसिबल यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर रखा है ये कंट्रोल ए कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है कंट्रोल ए आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, लाइट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया, मैंने कर दिया थोड़ा सा, मैं इंडस्ट्री बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे 2.6 के यहाँ पे, ठीक है। एंड टी फोर टारगेट, ठीक है टारगेट मेरे पास ऐसा कुछ है। अभी ये चीज़ में यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है कि मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। मैं अभी विदाउट कैमरा एंगल यहाँ पे मैं निकाल लूँगा। तभी क्या मुझे पेड़ लगाने आ गए, बुशेज लगाने आ गए यहाँ पे, लाइट के इम्पैक्ट में यहाँ पे थोड़ा सा देख सकता हूँ। देखो ओवल सब पे कलर टोन एक जैसा आ रहा है, आ रहा है यहाँ पे, देखो आ रहे शैडो यहाँ पे आ रहा है। तो हमें ये चीज़ पता चेक करना है कि अभी शैडो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि मेरे शैडो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं थोड़ा सा शैडो को मैंने यहाँ पे किया थोड़ा स्टार्ट किया, मैंने 4 किया क्या, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे करके क्रॉस चेक कर सकता हूँ, क्रॉस चेक करने के बाद मेरे पास अभी आ रहा है शैडो थोड़ा सा बेटर हुआ मुझे यहाँ पे। देखो अभी पेड़ का क्या, पेड़ का डिस्टेंस कैसा है, जब पेड़ बहुत बड़ा है उसका जब शैडो नीचे आएगा तो ब्लर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऊपर है, ऊपर से जब शैडो नीचे आता तो ब्लर होता है, ठीक है। कोई चीज़ मैं अगर ऐसा रखता हूँ, ठीक है। अभी चलो मैंने यहाँ पे कुछ किया, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, मैंने क्या किया स्प्रेयर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है दो चार स्प्रेयर में यहाँ पे और थोड़ी स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे स्प्रेयर, अगर मैं दो सौ में मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने दो चार स्प्रेयर यहाँ पे लगा दिया, इस पर मैं थोड़ा सा टेक्सचर देता हूँ यहाँ पे, मैंने क्या किया यहाँ पे ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ब्लेंड में गए, फाइल पे गए, कुछ टेक्सचर यहाँ पे देखते हैं, कुछ टेक्सचर है मेरे पास ऐसा कुछ लेने लग, यहाँ पे मैंने क्या किया दिस इज़ व्हाट, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये है मेरे पास कलर वाइज और कोई है क्या यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेटलिक अगर मैं देना चाहूँ तो मेटलिक में यहाँ पे दे सकता है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, भाई देखो इसमें बम डालोगे तो जान और आएगी क्या भाई, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप ज्योमेट्री में बस यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे और साइन कर दिया मैंने ब्लेन। अभी देखो यहाँ पे जब चीज़ हम लोग डालते हैं, अभी बम मैंने आपको बनाना बता रखा है, अभी मैं मेरे पास टाइम कम है तो मैं इस चीज़ को एज इट इज़ यूज़ कर रहा हूँ क्या, एज इट इज़ मतलब क्या, सेम चीज़ को यहाँ पे क्या ब्लेन को जो बम का ऑप्शन है ना मेरे पास यहाँ पे सेम मैप में कॉल कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ही बना के डालना है, ध्यान रखना, नहीं तो वो चीज़ बहुत ही बेटर नहीं दिखेगा। देखो कितना ज़्यादा दिख रहा है, 0.1 कर दो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐसे ब्रिक्स वाले पे जाओ, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट में गए हम लोग यहाँ पे, सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, आपको ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ करना है। एक लाइटिंग है, जब भी आपको काम फुलफिल करना हो तो आप जल्दी से भी ऐसे कुछ काम फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पर, देखें यहाँ पे आ रहा है कितना, यहाँ पे मैंने क्या किया 0.1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कैमरा एंगल वाइज यहाँ पे डील कर सकता हूँ, यहाँ पे कैमरा एंगल वाइज मैंने डील किया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं एक दो ऑप्शन आपको और भी शेयर करता हूँ, जैसे मैंने इस चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, मैंने दिखाया, अभी मैं ऐसा कुछ ट्री ब्रशेज में लगा के काम कर सकता हूँ। इसके साथ में एक चीज़ आपको एक ऑप्शन और बताता हूँ कि अगर आपको कभी यूज़ करना पड़े और आपको वहाँ पे क्या चाहिए कि वो चीज़ का इम्पैक्ट बहुत बेटर नहीं आ रहा, क्या देखो कि मैं आपको इसको कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी बताता हूँ, देखो कैसे करते हैं। इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, मॉडिफाई में गए, यहाँ पे मॉडिफाई में एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट, यहाँ पे क्या है इसको हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों के अगर देखें पेंट, देखें पेंट इफेक्ट टू पॉलीगन टूल, विजुअल यहाँ पे पेंट इफेक्ट है, ठीक है। पेंट इफेक्ट को मैं पॉलीगन में मैं कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जब मैं कन्वर्ट करूँ तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब कन्वर्ट करते हैं हमारे पास कितनी चीज़ें आ रही हैं, आए यहाँ पे देखो चीज़ें मेरे पास यहाँ पे कुछ कम है, ठीक है यहाँ पे देखो ये पार्ट में ऐसा, ये पार्ट में ऐसा, विजुअल यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास इसका अलग इम्पैक्ट भी आएगा क्या, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नजर आए, तो यहाँ पर मुझे फिर पकड़ के असाइन भी करना पड़ जाए, तो ऐसा भी कुछ मेरे पास ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे,
बाकी इन चीज़ों का आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सीए कैसे विजुअल हो रही है, किस टाइप से आपको काम करना है, मैनेज कैसे करना है, ये चीज़ आपके यहाँ पे थोड़ा सा निकल के आ जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। जैसे सपोज प्रोस्पेक्टिव में क्या यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी मेरे सुपरवाइजर है बिल्कुल एक बार ट्राई कर लेने के, यहाँ पे चीज़ें बहुत सी हैं देखिए, यहाँ पे यहाँ इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी आप सोच नहीं सकते हो, काफ़ी चीज़ आपके बनी बनाई चीज़ें हैं। जैसे फ्लावर्स हैं यहाँ पे, फ्लावर्स मैंने यहाँ पे लिया तो मैं फ्लावर्स के यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी प्रेस किया मैंने यहाँ पे देखा देखा यहाँ पे कुछ कुछ मैंने ऐसा कुछ ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे ठीक है। यहाँ देखते हैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जैसे कुछ पार्ट यहाँ पे, इन चीज़ों का वन बाय वन करके आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं ठीक है। साइज सॉस इन सब चीज़ों को तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे ठीक है कि कैसे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे ओके। अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, सबको एक एक बार ट्राई कर लेना यहाँ पे ठीक है। भाई ऐसा भी है कुछ पार्ट और मैं ऐसा भी कुछ यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो लाइक थोड़ा सा प्रोपोर्शन वाइज भी चीज़ों का आपको डील करना पड़ेगा। बनाने बहुत मज़ा आता है क्या, लेकिन जब रेंडर करोगे तो रेंडर आपको बताएगा कि आपको तो होता लिमिटेड ही बनाना आपके लिए ज़्यादा बेटर है ठीक है। गो टू योर कैमरा एंगल, कैमरा एंगल में गए अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ तो होता बेटर देखें यहाँ पे मुझे भी यहाँ पे क्या कहना कैमरे के अकॉर्डिंग भी मैं डील करने वाला, तो मैंने यहाँ पे क्या किया इस वाले पार्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया बी प्रेस किया यहाँ पे, अभी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करने वाला ठीक है। मैं इस कैमरे में अच्छा देखें यहाँ पे दूसरा पार्ट में वैसे यहाँ पे ग्लासेस हैं, ग्लासेस ग्लासेस और ग्लासेस दोनों सिमिलर से दिखते हैं क्या, तो थोड़ा सा ध्यान से देख के काम करेंगे यहाँ पर ना देखो ये तो मज़ेदार नहीं है ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर दिखता है ठीक है। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं कवर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं स्टेप से भी मैं कवर कर सकता हूँ ठीक है। यहाँ पे आपको इस कैमरे एंगल में था ना यहाँ देखो, तो अभी आप इसको थोड़ा सा अगर आप रेंडर करना स्टार्ट कर देते हो देखो बहुत सिंपल सा एक सीन रेडी हो गया क्या आपके यहाँ पे। लाइटिंग आपने करिए रखा है, लाइटिंग करने के बाद आपको एक छोटा सा सीन बनाना है, तो पेड़ वेड़ बना के छोटा ऐसे कुछ आपको बेसिक सी बनाओगे बहुत जल्दी बन जाएगा ठीक है। आपका ट्राई भी हो जाएगा, ट्राई करने के बाद आपके पास चीज़ें भी दिखेंगी कि चलो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे चीज़ आ रही है मेरे पास यहाँ पे कि मेरे शेप्स कैसा नज़र आ रहा है ठीक है। मेरे पास अलग अलग टाइप के फ्लावर भी नज़र आ रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को आप पैसे भी मैनेज कर सकते हो ठीक है। लुक वाइज भी आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो यहाँ पे दिख रहे हैं तो काफ़ी चीज़ आपके यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिख जाएगा ठीक है कि कैसे हमें क्या काम करना है। और देखो स्काई भी आपके यहाँ पे वर्क कर जाएगा, आपको ऐसा भी नहीं आपको स्काई की इमेज उठा के लगानी, तो आपको बनाना पड़े तो बना भी सकते हो।